अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज की पत्ती की खड़ी दाल। ये प्याज की पत्ती है, धो के कट करके रख ली हूँ मैं। ये प्याज है पत्ती में की। ये मूंग की दाल है, एक आधा किलो है, इसको धो के करके साफ करके रख ली हूँ। ये 6-7 हरी मिर्ची है, हल्दी है, अदरक लहसुन है, मिर्ची है, करिया पका पत्ता है, मीठा तेल है। अब मैं बनाने का तरीका बताऊँगी आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज ब्राउन हो गया, बस आप लोगों को बताऊं। आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छी तरीके से भुने गया है। अब मैं प्याज की पत्ती डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी, आप लोग देख सकते हैं। जब ये प्याज की पत्ती भुने के बाद आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं प्याज की पत्ती मेरी गल चुकी है। मूंग की दाल डाल रही हूँ। अब मैं ये दाल गलने के लिए मैं पानी मिलाई हूँ थोड़ा सा, एक आधा कटोरा। अब मैं दाल गले बाद बतलाऊँगी आप लोगों। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खड़ी दाल प्याज की पत्ती की। अब मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। अब आप लोगों को थोड़ा सा चख के बताऊंगी। थोड़ा सा नमक कम है, अभी थोड़ा मिला रही हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये प्याज की पत्ती खड़ी दाल बन चुकी है। अब मैं थोड़ा सा करिया पत्ता डाल रही हूँ दम पे। ये 3-4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अब मेरी प्याज की पत्ती खड़ी दाल बन चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। चलिए मैं आप लोगों को चख के बतलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत यम्मी 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 बनी है। आप लोग भी मेरी तरीके से एक बार बना के देखिए। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।